So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear class 9th students, as we are already discussing about the nutrient management. तो यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैनवर्स और इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो यूज ऑफ मैनवर्स और फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैनवरिंग. फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे मैनवरिंग. अब क्या होता है, दैट मीन्स यूज ऑफ मैनवर्स आर फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैनवरिंग. तो मैनवरिंग क्या होता है, जब भी हम यूज करेंगे फर्टिलाइजर्स को या मैनवर्स को, दैट्स कॉल्ड एज मैनवरिंग. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज दैट इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैनवर्स. अभी मैनवर्स क्या होते हैं, तो मैनवर्स जो होते हैं ये नेचुरल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट्स. तो मैनवर्स को हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, ये तो वेस्ट्स या तो प्लांट वेस्ट्स हो सकते हैं या तो एनिमल काउडंग वगैरह जो वेस्ट्स होते हैं या तो एनिमल वेस्ट्स ये होते हैं. तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं. तो मैनवर्स आर, सो दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट and an animal wastes. तो depending upon the kind of wastes now. तो मैनवर्स हमने क्या कहा, दीज आर दी नेचुरल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जिनको हम ऑब्टेन करते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट्स. तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ वेस्ट्स, अब कौन से किस्म का वेस्ट होगा जिनको हम डिकम्पोज करने के बाद मैनवर्स ऑब्टेन करेंगे. सो दीज मैनवर्स आर ऑफ नाउ डिफरेंट टाइप्स बट डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ वेस्ट्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ वेस्ट्स, सो डिपेंडिंग अपॉन काइंड्स ऑफ वेस्ट्स, तो किस किस्म के वेस्ट्स है, दीज मैनवर्स आर ऑफ नाउ डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट इज फार्म यार्ड मैनवरिंग एंड सेकंड वन इज ग्रीन मैनवर्स एंड थर्ड वन इज कंपोज्ड. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैनवर्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ वेस्ट्स. नाउ वी विल डिस्कस हियर द फार्म यार्ड मैनवर्स. तो फार्म यार्ड मैनवर्स क्या होते हैं, सिंपली अगर हम देखेंगे काउडंग और यूरिन यानी कि एनिमल वेस्ट से ये बना हुआ होता है. एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग काउडंग को जब हम डिकम्पोज करेंगे दैट फॉर्म्स द फार्म यार्ड मैनवर्स. तो फार्म यार्ड मैनवर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल वेस्ट. सिंपली इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल वेस्ट, इसमें खाली एनिमल वेस्ट होते हैं. Consists of animal wastes. तो animal wastes में क्या क्या यहाँ पे particularly cow dung. तो और भी cow dung के बदले और भी हो सकता है and urine extra. Cow dung and animal urine, cow urine extra. तो farm yard manures में हम use क्या करते हैं, खाली animal wastes को हम use करते हैं and those animal wastes have to be decomposed and then used as manures. So this is the first type of manures. And the second type of manures is green manures. अभी green manures क्या होते हैं, green manures में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी farm land होगी उस farm land में जो green plants होते हैं उन green plants को हम plug करेंगे soil में ही in order to improve the fertility. तो plants के पास जो है already वहाँ पे plants के पास भी nutrients होते हैं जो एक प्लांट ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सॉइल. और जब हम उन प्लांट्स को जो वहाँ उस फार्म लैंड पे होंगे, जब हम उस फार्म लैंड को प्लग करेंगे लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल अलॉन्ग विद द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट देयर, और वो प्लांट्स जो होंगे वो डिकम्पोज उसी सॉइल में होंगे एंड एक्ट एज मैनवर्स देयर, दैट्स कॉल्ड एज ग्रीन मैनवर्स.
तो ग्रीन मैनवर्स यहां पे हम लिखेंगे इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ प्लॉगिंग, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्लॉगिंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स इंटू सॉइल। तो हम प्लग करेंगे एक फील्ड को, तो उस फील्ड में अगर ग्रीन प्लांट्स भी होंगे उनके साथ ही उनको प्लग करेंगे इंटू सॉइल फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग फर्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये पीस ऑफ लैंड है तो ये जो क्रॉप फील्ड हमारा है इस क्रॉप फील्ड में हमारे पास छोटे छोटे प्लांट्स है ग्रीन प्लांट्स, तो मे बी सम लिग्यूमिनस प्लांट्स आर देयर। हम क्या करेंगे, हम इन लिग्यूमिनस प्लांट्स या ये जो छोटे ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे है हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि इस पीस ऑफ लैंड को डायरेक्टली से हम प्लग करेंगे लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। तो इसको हम यहाँ पे प्लग करेंगे, प्लग करने के बाद ये जो यहाँ पे ये प्लांट्स है ये भी अब सॉइल पे ही आ जाएंगे, इसी फार्म लैंड में ये जाएंगे, वहाँ पे डिकम्पोज होंगे और जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स में थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स अब एडअप हो जाएंगे इस सॉइल में। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये जो सॉइल हमारी है पीस ऑफ लैंड हमारा है फार्म लैंड, तो इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलिटी इज कॉल्ड एज हियर ग्रीन मैनवरिंग। तो ग्रीन मैनवर्स एंड द थर्ड वन इज कंपोस्ट। कंपोस्ट तो आपको पता ही होगा जो हमारे घर पे जितने भी वेस्ट्स निकलते हैं, तो चाहे वो वेस्ट्स जो है या ये एनिमल वेस्ट्स होंगे या प्लांट वेस्ट्स होंगे, उन एनिमल और प्लांट वेस्ट्स को हम एक पिट में डालेंगे और उस पिट को हम कवर करेंगे मड से फॉर अबाउट 5 to 6 months। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहाँ पे जो सेमी डिकम्पोज्ड मैटर हमें मिलेगा एंड दैट सेमी डिकम्पोज्ड मैटर इज टू बी यूटिलाइज्ड एज ए मैन्योर इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट। तो कंपोस्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है, अगर हम नावे डेज देखेंगे जितने भी वेस्ट्स हमारे घर से निकलते हैं उन वेस्ट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम उन वेस्ट्स को ऐसे ही फेंकेंगे तो उससे पोल्यूशन क्रिएट होगा, तो कंपोस्ट की वजह से ना पोल्यूशन क्रिएट होगा और जो भी हमारा वहाँ पे डिकम्पोज वहाँ पे वेस्ट्स जो हमारे पास कंपोस्ट से निकलेंगे एंड दैट्स टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द मैनवर्स। तो कंपोस्ट इज सो इट इज फॉर्म्ड, कंपोस्ट को हम कैसे बनाते हैं, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर से हम इनको बना सकते हैं, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो वेस्ट्स हमारे घर में होते हैं एनिमल एंड प्लांट वेस्ट्स। और जो प्लांट वेस्ट्स हमारे पास घर पे होते हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम स्पेशल पिट्स में डालेंगे, स्पेशल पिट्स में डालने के बाद कवर करेंगे उस पिट को विद मड फॉर अबाउट 5 to 6 months। कामा ऑब्टेन्ड इन स्पेशल पिट्स में डालने के बाद उन स्पेशल पिट्स को कवर करेंगे, कवर्ड विथ ए कारपेट ऑफ मड फॉर अबाउट 5 to 6 months एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेस्ट के हाउ मच टाइम वी विल कवर देम इन द पिट। तो कंपोस्ट जो होता है, कंपोस्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली बैक्टीरिया वगैरह जो है वो डिकम्पोज करेंगे हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को एंड दैट ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट विच वी विल यूटिलाइज इट फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप फर्टिलिटी। सो दिस इज द कंपोस्ट हेयर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स भी हम यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। तो वेन प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस when fertility of the soil increase and productivity itself increases, so crop productivity increase करने के लिए या तो हम manures का use करेंगे या तो हम fertilizers के use करेंगे। तो fertilizers की अगर हम बात करेंगे so these are inorganic, manures organic होते हैं और fertilizers inorganic होते हैं, these are inorganic salts। और ये inorganic salts जो है वो factories में बना दिए जाते हैं made by man, वो artificially produce किए जाते हैं मेड बाय द मैन। तो मैं वो एक और बताऊंगा कि तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं देयर आर 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, दोज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड दी नाइट्रोजन फास्फोरस, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है विच आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड
पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके जिसको हम कहते हैं। तो ये थ्री न्यूट्रिएंट्स जो है ये बहुत ही मेन न्यूट्रिएंट्स है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लांट, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम जो हमारे पास होता है, अब इसी को हम बनाते हैं इन द फैक्ट्रीज और यूटिलाइज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स और मैनवर्स में क्या फर्क है? फर्टिलाइजर्स और मैनवर्स में ये फर्क है कि मैनवर्स ऑर्गेनिक होते हैं, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होते हैं। और मैनवर्स में हम मोस्टली एनिमल एंड प्लांट वेस्ट को यूज करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है वो हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। दीज आर सम साल्ट विच आर टू बी आर्टिफिशियली मेड बाई द इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन द इंडस्ट्रीज। तो इसी तरीके से हम बताएंगे यहाँ पे कि मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स में फर्क क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो मैन्यूर जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग, जैसे कि मैंने कहा कि दीज आर ऑर्गेनिक, नेचुरली ऑकरिंग एंड ऑर्गेनिक। दीज आर, अगर फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे सो दीज आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय मैन, प्रिपेयर्ड बाय मैन, दीज आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय मैन। और मैन्यूर्स का एक और इंपॉर्टेंट यहां पे पार्ट है कि दीज आर बायोडिग्रेडेबल। तो ये डिग्रेड होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन फर्टिलाइजर्स का ये डिसएडवांटेज है कि ये डिग्रेड नहीं होते हैं, दे विल एक्ट एज दे काज द पोल्यूशन, दे एक्ट एज पोल्यूटेंट्स ऑल्सो, नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्टिलाइजर जो है इनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन मैन्यूर से पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर बायोडिग्रेडेबल मैन्यूर्स है तो ये इनका एडवांटेज है, लेकिन फर्टिलाइजर्स का डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड दिस कैन क्रिएट द पोल्यूशन। लेकिन अगर हम मैन्यूर्स का देखेंगे, इनका एक डिसएडवांटेज है कि दीज आर बल्की, ये बहुत ही बल्की होते हैं और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही ये डिफिकल्ट होता है to move the manures from one place to another place as they are bulky. लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि fertilizers जो होते हैं these are not so bulky, ये उतने bulky नहीं होते हैं। एक और चीज manures का कि do not create pollution, do not cause pollution, manures की वजह से कोई pollution नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे fertilizers की वजह से pollution होता है, these cause पोल्यूशन। तो यही हमने कहा यहाँ पे, मैन्यूर जो होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं, और फर्टिलाइजर जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर बाय मैन और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और मैन्यूर जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं और फर्टिलाइजर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और मैन्यूर्स उतने वो बहुत ही ज़्यादा बल्की होते हैं, अगर फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे वो उतने ज़्यादा बल्की नहीं होते हैं। मैनवर्स पोल्यूशन भी काज नहीं करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो पोल्यूशन काज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन। ये तो था हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के हाउ वी विल इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय यूटिलाइजिंग द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इंक्रीज हम करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग द मैनवर्स as well as fertilizers. So in the next video we will discuss about the irrigation. Thank you very much.